वो बेसुरा था सांगी, तो गाने लगा तो एक बुढ़े जो बुजुर्ग था वो एक डंडा लेके घूमता रहा, देखता रहा भाई, तो वो डर गया सांगी, उसने सांग गाना बंद कर दिया। मैं तो उसको देख रहा हूँ जिसने जो तेरे को लेके आया है, समझे ना, किसने सरकार बनाई है, बीजेपी लोगों ने तो नहीं बनाई थी बीजेपी की सरकार। अच्छा हुड्डा साहब, आपको विधानसभा में देखते हैं, आप जब भी बोलते हैं तो मैंने कई बार नोटिस किया है और अखबारों में भी छप जाता है, आप कभी ना कभी एक हल्की सी शेर व शायरी या फिर मुख्यमंत्री या सरकार से जुड़े हुए जो किस्से जो चुटकुले से सुनाते हैं ना, वो बड़े फेमस हो जाते हैं। चलते चलते कोई एक किस्सा छोटा सा ऐसा सुना दीजिए ताकि दर्शकों को मजा आ जाए, कोई भी किस्सा। कौन सा किस्सा बताओ? कोई भी, आज के जो वातावरण से जुड़ा हुआ, आज के माहौल पे सरकार पे फिट बैठता हो। सरकार पे जब ये बनी थी उसी टाइम मैंने कहा था कि भाई एक गांव में जो है ना एक सांग आ गया, सांग होते हमारे गांव में, तो वो बेसुरा था सांगी, तो गाने लगा तो एक बुढ़े जो बुजुर्ग था वो एक डंडा लेके घूमता रहा, देखता रहा भाई, तो वो डर गया सांगी, उसने सांग गाना बंद कर दिया। तो उसने कहा भाई तू मत डर, तू गाए जा, मैं तो उसको देख रहा हूँ जिसने जो तेरे को लेके आया है, समझे ना, किसने सरकार बनाई है, बीजेपी लोगों ने तो नहीं बनाई थी बीजेपी की सरकार। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, अक्सर किस्से सुनाते हैं, तो सांग का किस्सा उन्होंने सुनाया है और कह रहे हैं ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ और गर्म जोशी के साथ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। ये SYL का मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब केंद्र में भी है राज्य में भी है, जिस तरीके से मुलाकात कर रही है मुख्यमंत्री भगवंत मान से, गजेंद्र शेखावत ने जो है अभी मीटिंग करी, क्या सही ट्रैक पर चल रही है सरकार या मेरे समझ में क्यों मुलाकात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत नहीं, सुप्रीम का ऑर्डर फाइनलिटी अटेंड कर चुका है ये फैसला, मुख्यमंत्री जी भी वहीं थे, हम भी वहीं थे, दिल्ली में मीटिंग हुई थी, हालांकि प्रधानमंत्री को मिलने की बात थी, प्रधानमंत्री तो मिले नहीं, लेकिन उस टाइम के जो गृह मंत्री थे अपना राजनाथ जी, उनसे उनके सामने ही मीटिंग हुई थी और ये कह चुके थे वहां पे कि इसमें कोई वो नहीं है, फैसला फाइनलिटी अटेंड कर चुका। अब तो यहाँ भी सरकार इनकी है, दिल्ली में भी सरकार है, नहर खुदवाने का काम करें, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, इससे ऊंची अदालत तो कोई है नहीं।